हेलो फ्रेंड्स, पंजाब पुलिस की तरफ से नई भर्ती जारी कर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया गया है। तो क्या कैटेगरिया रहने वाला है, क्या मतलब इसमें प्रोसेस रहने वाले हैं, सारी चीज़ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों पंजाब पुलिस की तरफ से, रिक्वायरमेंट फॉर द यहाँ पर पोस्ट आप मतलब पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर आपको जारी कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मतलब जारी किस तारीख किया गया था, 1/2024 को जो पब्लिश किया गया दोस्तों, वो 29 फरवरी 2024 को मतलब इसको पब्लिश किया गया है इस वेबसाइट पे। पंजाब देख सकते हैं कि यहाँ पंजाब का वेबसाइट है, इस पर आपको यहाँ पे मतलब जारी कर दिया गया नोटिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, वो 14 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो क्लोजिंग डेट है उसका यहाँ पर देख सकते हैं 4 अप्रैल मतलब 2024 को ये कब बंद होगा, तो 11:55 पर यह मतलब बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हेल्प डेस्क है मतलब जो नंबर दिया गया है, इस पर आप मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फार्म को भरेगा, उस वेबसाइट पे आपको पंजाब पुलिस की वेबसाइट यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाकर फार्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख नीचे दिया गया है इंट्रोडक्शन, यहाँ सारी चीज़ यहाँ पे आपको मतलब बताया गया है कि कैसे फिजिकल होगा। यहाँ पर CBT के माध्यम से आपको दोस्तों यहाँ पर एग्जाम होने वाला है और फिजिकल होने वाला है। पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर दिया गया है, इसमें देख सकते हैं कैंडिडेट मतलब पोस्ट डेवलपमेंट यहाँ पर पंजाब पुलिस का बताया गया, इसके बारे में सारी चीज़ आपको जानकारी दिया गया। डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे आपको भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका मतलब जनरल ओपन मतलब अनसेबल के लिए है, तो 400 कितना वैकेंसी है, तो 410 है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो वुमन के लिए है मतलब महिला के लिए है, वो 117 रहने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब ये वैकेंसी जो आया है 100 है, यहाँ पे 40 रहने वाला है महिला के लिए। और यहाँ पे उसके बाद दोस्तों देखो सारी चीज़ यहाँ पर एक्स मैन के लिए दिया गया है, सर्विस मैन के लिए दिया गया है, सर्विस मैन शेड्यूल यहाँ पे कास्ट के मतलब सर्विस मैन बैकवर्ड क्लास पंजाब में पुलिस दिया गया। तो मतलब आपको पूरा जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मतलब एवर्टेस्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको दिया गया है, वो सारी चीज़ आपको मतलब लेटर में बताया गया है, मतलब क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। पे स्केल है जो मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा पंजाब पुलिस की तरफ से प्रति महीने। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पुलिस के यहाँ की तरफ से दिया गया है, जारी किया गया है डेट 19/12/2024 मतलब पे स्केल यहाँ पे कॉन्स्टेबल के लिए कितना पद मतलब पैसे मतलब यहाँ पे देने वाला है, तो 19,900 रुपया यहाँ पर आपको प्रति महीना मतलब देने वाला है। और यहाँ पे एडमिसिबल देख सकते हैं कि 19,900 पर मंथ मतलब 3 ईयर्स मतलब यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग सर्विस दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बता दिया गया है कि 3 वर्ष के लिए यहाँ पे आपको मतलब अवेलेबल ये भर्ती है। उसके बाद आगे मतलब जो भी प्रक्रिया होगा कैटेगरिया होगा यहाँ आपको प्रोसेस मतलब देने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं नेशनलिटी होनी चाहिए मतलब इंडिया का होना चाहिए व्यक्ति। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ बताया गया एज जो होता है मेन चीज़ होता है दोस्तों, तो एज यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम जो एज दिया गया है 1/2024 से 18 वर्ष होना चाहिए कैंडिडेट को। और यहाँ पे जो मतलब मैक्सिमम एज है यहाँ पर 28 वर्ष तक होने वाला है, मतलब दोस्तों यानी कि 18 से 28 वर्ष तक यहाँ पर लड़का मतलब छात्र छात्राएँ फार्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बताया गया कॉन्स्टेबल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मतलब जो भी मतलब कैंडिडेट इसमें इच्छुक हैं भरने वाले, वो 10+2 होना चाहिए किसी भी मतलब बोर्ड से यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं इन केस ऑफ एक्समैन सर्विस मिनिमम एजुकेशनल होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो देख सकते हैं कि आप क्वालिफिकेशन डेट मतलब सारी चीज़ दिया गया है, यहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफिकेशन दिया गया है मतलब सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिजिकल देख सकते हैं, फिजिकल के बारे में बताया गया डिस्ट्रिक्ट फिजिकल में जो होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम जो हाइट है मेल के लिए 5 फीट 7 इंच होना चाहिए मतलब 1.70.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पर जो मेल के है वहाँ पर 5 फीट मतलब 2 इंच हाइट होनी चाहिए मतलब 1.57.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको हाइट रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि नोट में यहाँ पे दिया गया है कि आज जो यहाँ पे ट्रेंड है मतलब है कैंडिडेट सेल्फ हेमल कैंडिडेट रिस्पेक्ट। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए फिजिकल स्कैनिंग मतलब हो सकता है, मेजरमेंट भी यहाँ पे टेस्ट होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सिलेक्शन जो प्रोसेस है, यहाँ पे सारी चीज़ आपको जानकारी इस वीडियो में दिया गया है, देख सकते हैं। आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए।
और वीडियो को लाइक जरूर करिए। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज वन बांट दिया गया, स्टेज टू, स्टेज थ्री, मतलब यहाँ पे स्टेज की तरफ से यहाँ पे मतलब स्टेज वन मतलब तीन विभाग में बांटा गया है और यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो मतलब कंप्यूटर टेस्ट होगा उसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको मतलब एक इसमें आपको परीक्षा मतलब देना है और पेपर टू मतलब रहेगा। इसमें लैंग्वेज आपको यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया 50 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे 50% आपको लाना अनिवार्य है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो सिलेबस यहाँ पे सारी चीज़ आपको मतलब आनी चाहिए। यहाँ पे जनरल मतलब अलाउंस दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ पे कल्चर और इकोनॉमिक्स, पंजाब मतलब पंजाब की तरफ से जो इकोनॉमिक्स है उसमें आपको 35% यहाँ पे मतलब 35 नंबर का आपका यहाँ पर आने वाला है। और यहाँ पर बेसिक साइंस टेक्नोलॉजी सारे मतलब यहाँ पे आपको 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। करेंट अफेयर्स है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, मतलब सारी आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मैथ के तरफ से चारों तरफ से आपको पूछने वाला है। तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको मैं जानकारी दे दिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कुछ नीचे की तरफ आएंगे तो सारी चीज़ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन बताया गया है कहीं क्या क्या मतलब इसमें रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब करना और साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।